हेलो क्लास, नो एक्सरसाइज 6.1 लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चन नंबर 3 तक लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन, इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू, देन शो दैट लाइन AOB, A ये आपका O पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये आपका D पॉइंट है। आपको शो करना है कि जो AOB लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए ध्यान से करना क्या है आपको, अगर AOB स्ट्रेट लाइन है तो AOB के एंगल्स का जो सम होगा या एंगल AOB जो होगा वो इक्वल होगा 180 डिग्री के। आपको प्रूफ करना है, शो करना है एंगल AOB, ऐसे लिख रहे हैं यहां पर AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको शो करना है, AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री आपको प्रूफ करना है। अब जरा देखते हैं ध्यान से, लाइन AOB के एबव देखते हैं और लाइन AOB के बिलो देखते हैं। पहले एबव देखते हैं तो लिखेंगे एबव लाइन AB, लाइन AB के एबव, ऊपर देखेंगे तो लाइन AB के जब एबव देखेंगे तो एंगल AOB जो आपका दे रखा है AOB, ये आपका टू पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है। कौन कौन से पार्ट होंगे, एक पार्ट हो जाएगा A O C और दूसरा पार्ट हो जाएगा C O B। अब ये कैसे करेंगे देखें ध्यान से, एंगल A O C, A O C प्लस एंगल C O B, ये किसके पार्ट हो गए, A O B के पार्ट हो गए। एंगल A O C प्लस एंगल सी ओ बी, ए ओ सी प्लस सी ओ बी इक्वल हो जाएगा एंगल ए ओ बी के। इसको डाल दो फर्स्ट ऑप्शन। अब लाइन ए बी के बिलो, बिलो लाइन ए बी क्या मिलेगा आपको, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी या फिर बी ओ डी लिख दो, कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ बी, ये भी हो गया आपकी सेकेंड कंडीशन। क्वेश्चन में क्या गिवन है, अच्छा इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एंगल ए ओ सी, ए ओ सी की वैल्यू कितनी है वाई, तो यहां पर लिख देंगे वाई प्लस सी ओ बी की वैल्यू, सी ओ बी की वैल्यू कितनी है एक्स इक्वल टू एंगल ए ओ बी। इस तो फर्स्ट एंगल ए ओ डी, ए ओ डी की वैल्यू कितनी जेड प्लस डी ओ बी, डी ओ बी की वैल्यू कितनी है डब्ल्यू इज इक्वल टू ए ओ बी, ये हो गई सेकेंड लाइन। ओके आपको दिखाना है ए ओ बी जो है वो 180 डिग्री है, सिंपल है, देखिए ध्यान से फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर कराएं, तो जब फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू, ये आ गया, ये आपका गिवन है, ये आपका गिवन भी है यहां पर। दूसरा अगर ध्यान से देखें तो इन चारों एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री होगा, तो कैसे इसका यूज करेंगे देखें ध्यान से, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा आपका ये। अगर ये 360 डिग्री हो रहा है
तो कैसे इसको सॉल्व करना है? देखिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू दोनों में से किसी एक को चेंज कर दें, क्योंकि दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। एक्स वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया आपका 360 डिग्री, और आपको मालूम है कि x प्लस वाई वैल्यू क्या है, z प्लस डब्ल्यू, या z प्लस डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई, ये आपका गिवन भी है। तो यहाँ पर इंटरचेंज कर देते हैं, x प्लस वाई की जगह पर पुट कर देंगे z प्लस डब्ल्यू प्लस z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 डिग्री, ये टू टाइम्स प्लस हो जाएगा इक्वल टू 360 डिग्री, तो z प्लस डब्ल्यू आ जाएगा आपका 180 डिग्री, z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू आ गया आपका 180 डिग्री। और आपको मालूम है कि z प्लस डब्ल्यू क्या है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना है z प्लस डब्ल्यू, और z प्लस डब्ल्यू वैल्यू आपने कितनी निकाली है 180 डिग्री, दैट मीन्स एंगल ए ओ बी कितना आ गया आपका 180 डिग्री। और जब एंगल ए ओ बी आपका 180 डिग्री आ गया, तो आप कह सकते हैं कि ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, हेंस ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी आपकी एक लाइन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन, पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, OS is a straight, OS is a ray between OP and OR. OS एक ray है जो OP और OR के बीच में लाई करती है। कह रहा है, prove that angle ROS, ROS equal to half of angle QOS, QOS minus POS. ये आपको प्रूफ करना है। देखें जरा कैसे करना है इसको। तो जो जो इसमें दे रखा है, ROS दे रखा है, QOS दे रखा है, POS दे रखा है, जो दे रखा है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। देखिए ध्यान से, दूसरी एक बात और है कि POQ आपकी एक स्ट्रेट लाइन है और जो OR है वो परपेंडिकुलर है। सॉल्यूशन देखें इसका, OR परपेंडिकुलर PQ, OR जो है वो PQ पर परपेंडिकुलर है, दैट मींस एंगल POR इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू ओ आर के। पी ओ आर इज इक्वल टू क्यू ओ आर, पी ओ आर इज इक्वल टू क्यू ओ आर, क्योंकि ये अगर आपका 90 डिग्री है तो ये वाला पार्ट भी आपका 90 डिग्री होगा, ये वाला पार्ट। और पी ओ आर के यहां पर दो पार्ट हो रहे हैं, देखिए इसको डाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसका भी यूज हो सकता है, एंगल पी ओ आर, पी ओ आर इसके दो पार्ट हो रहे हैं, एक पार्ट है पी ओ एस, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल, या तो इसको हम लिखें एस ओ आर या फिर लिख दें आर ओ एस, लेकिन यहां पर आर ओ एस का यूज हो रहा है तो यहां लिखेंगे आर ओ एस। ओके, ये वैल्यू आ रही है पी ओ आर की, पी ओ आर की, इसको डाल दो सेकेंड इक्वेशन। एक काम यहां से कर सकते थे लेकिन अभी नहीं करेंगे, देखते हैं बाद में। जो क्यू ओ आर है, क्यू ओ आर वो आपका है कितना 90 डिग्री दे रखा है क्योंकि इक्वल है दोनों, और हमें दिखाना है क्यू ओ एस, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, माइनस पी ओ एस वैल्यू किसकी निकलेगी, आर ओ एस की। तो देखें ध्यान से, ये जो आपका एंगल है क्यू ओ एस, इसके भी दो पार्ट हो रहे हैं, लिखेंगे यहां पर एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस इसके दो पार्ट हो रहे हैं, कौन कौन से हो रहे हैं, क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस, आर ओ एस, यहां से आर ओ सॉरी यहां से क्यू ओ आर की वैल्यू निकालते हैं। तो जब क्यू ओ आर की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा क्या,
QOS इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस ROS इज इक्वल टू एंगल QOR। ओके ये हो गया आपका थर्ड पार्ट, बस अब आपका हो जाएगा प्रूफ। आपको पता है कि POR क्या है, QOR के इक्वल है। ये जो वैल्यू आ रही है ये POR की वैल्यू आ रही है और ये वैल्यू आ रही है QOR की। तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। देखें ध्यान से, POR और QOR इक्वल हैं तो इनकी जो वैल्यूज आ रही है वो भी इक्वल होंगी। तो कैसे लिखेंगे, POR की वैल्यू क्या है, POS प्लस ROS इज इक्वल टू, QOR की वैल्यू क्या है, एंगल QOS माइनस एंगल ROS। हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल ROS प्रूफ करना है। तो ये जो एंगल ROS लिखा हुआ है इसको इधर ट्रांसफर करेंगे और इस POS को उधर ट्रांसफर करेंगे। तो जब ये ROS लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और यहां पर ऑलरेडी ROS दे रखा है, एंगल ROS ये वाला इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS, और ये जो POS लिखा हुआ है इसको उधर ट्रांसफर करो तो माइनस एंगल POS। ये टू टाइम्स है तो इसको कैसे लिखेंगे, टू टाइम्स एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। आपको दिखाना है ROS तो टू से डिवाइड कर दो, तो जब टू से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आपको एंगल ROS इज इक्वल टू वन अपॉन टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। यही आपको प्रूफ करना था, एंगल ROS इज इक्वल टू वन अपॉन टू एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये आपको प्रूफ करना था, ये आ गया आपका। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है एंगल एक्स वाई जेड, जो गिवन है पहले उसको नोट करेंगे। एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू गिवन है आपका 64। तो एक्स वाई जेड आपने यहां पर शो कर दिया 64 डिग्री, एंड आगे उसमें बोला हुआ है एक्स वाई, ये जो आपकी एक्स वाई है इसको प्रोड्यूस किया गया कहां तक, पी पॉइंट तक। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट पी। आगे गिवन है इफ वाई क्यू, ये जो वाई क्यू है ये बाइसेक्ट करती है एंगल जेड वाई पी को, वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, देन फाइंड एंगल क्यू वाई जेड या जेड वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो पहले ध्यान से देखें, ये जो एक्स पी है ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, एक्स पी इज अ स्ट्रेट लाइन या इज अ लाइन। ओके, अगर एक्स पी आपकी एक लाइन है और इस लाइन के यहां पर दो पार्ट हो रहे हैं, कौन कौन से हो रहे हैं, एक पार्ट हो रहा है एक्स वाई जेड और दूसरा पार्ट हो रहा है जेड वाई पी, ये स्ट्रेट लाइन के दो पार्ट हो रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे, एक्स वाई जेड एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एक्स वाई जेड की वैल्यू गिवन है 64 डिग्री, तो यहां पुट करेंगे 64 प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको उधर माइनस करेंगे तो एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, माइनस करेंगे यहां से ये आएगा 116 डिग्री। ओके, एंगल जेड वाई पी। अब क्वेश्चन में कह रहा है
कि जो वाई क्यू है वो जेड वाई पी की बायसेक्टर है, दैट मीन्स जितना पार्ट ये होगा उतना ही पार्ट ये होगा, मतलब जेड वाई पी के टू इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। यहां पर लिख देंगे एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी, तो जेड वाई पी के दो पार्ट हो रहे हैं, एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 116 डिग्री। आपको फाइंड करना है जेड वाई क्यू, तो जेड वाई क्यू सॉरी ये जो क्यू वाई पी लिखा हुआ है इसको रिप्लेस कर देंगे जेड वाई क्यू से, तो क्या मिलेगा एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू 116 डिग्री। अब ये हो जाएगा आपका टू टाइम्स जेड वाई क्यू इक्वल टू 116 डिग्री, जेड वाई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 116 डिग्री अपॉन टू, 25 जा और 28 जा, तो यहां से वैल्यू आ गई 58 डिग्री। एक वैल्यू आपकी निकल आएगी, आपको फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करना है। एक्स वाई क्यू का मतलब हो गया एक्स वाई क्यू, ये पूरा पार्ट आपको फाइंड आउट करना है, इतना पार्ट फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो जो एक्स वाई क्यू है, एक्स वाई क्यू इसके दो पार्ट हो रहे हैं, एक पार्ट क्या है एक्स वाई जेड, तो लिखेंगे यहां पर एंगल एक्स वाई जेड प्लस दूसरा पार्ट क्या हो रहा है जेड वाई क्यू, क्या लिख देंगे एंगल जेड वाई क्यू। एक्स वाई जेड की वैल्यू गिवन है आपके पास 64 डिग्री प्लस जेड वाई क्यू की वैल्यू आपने निकाली है 58 डिग्री, तो दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 112 डिग्री, 8 4 12 और 6 5 11 ये हो जाएगा 122 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई क्यू आ गया 122 डिग्री। इसके बाद आपको फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी। अब रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल जब फाइंड करेंगे तो 360 से माइनस कर देंगे, 360 डिग्री माइनस, किसको माइनस करना है क्यू वाई पी को माइनस करना है, और क्यू वाई पी की वैल्यू क्या है, क्यू वाई पी की वैल्यू क्या है, देखो ध्यान से जो वैल्यू जेड वाई क्यू की होगी वही वैल्यू होगी क्यू वाई पी, और जेड वाई क्यू आपका आया हुआ है 58 डिग्री, तो माइनस कर देंगे 58 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा आपका 302 डिग्री, दैट इज योर आंसर।